खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। खेल यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभारंभ राजधानी लखनऊ में होने को कुछ घंटे शेष हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, खास तौर से प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा। जो खिलाड़ी बाहर से आने वाले हैं उनके रहने और अन्य चीज़ों की सुविधाओं को लेकर लगातार कवायद जारी है। मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी बाहर से आने वाले हैं उन्हें किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। 25 तारीख से लेकर 3 जून तक चलने वाले इस खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शुभारंभ जो है राजधानी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में होगा और इसका समापन वाराणसी में 3 जून को होना है। मद्देनज़र काफ़ी संख्या में खिलाड़ी राजधानी लखनऊ में पहुंच रहे हैं और राजधानी की बात करते हैं तो 4 जगह, खास तौर से बीबीडी यूनिवर्सिटी, बैडमिंटन एकेडमी, इसके अलावा इकाना स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में काफ़ी तैयारियां देखने को मिल रही हैं कि जो खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं उनकी मेज़बानी करने के लिए काफ़ी स्टाफ और लोग लगाए गए हैं। खेल में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ के ठहरने, भोजन की समुचित व्यवस्था के लिए लगातार कवायद जारी है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी आगंतुकों की सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ज्ञात हो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के मद्देनज़र गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। कई खिलाड़ी इस समय राजधानी लखनऊ में पहुँच रहे हैं। अभी कल 25 तारीख को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस खेल आयोजन का शुभारंभ किया जाएगा, जबकि आज मंडलायुक्त और जिलाधिकारी द्वारा इन खेलों की क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया गया और खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम के तहत एक दिन पूर्व जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार द्वारा बैडमिंटन एकेडमी में चल रहे टेबल टेनिस और इकाना स्टेडियम में वॉलीबॉल खेल का शुभारम्भ भी किया जा चुका है। अन्य खेल कल से जो 4 जगह यहाँ पे चिन्हित हैं वहाँ पे खेल जो प्रतियोगिताएं होंगी, काफ़ी शानदार आयोजन को लेकर लगातार बीबीडी यूनिवर्सिटी में उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। खेल मंत्री सहित कई अन्य लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैं तुषार राय, INSLive.com से।